रावण को मारने। आप लोग नहीं जाना है, आप लोग बंद। नमस्कार, स्वागत आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube चैनल लाइव सिटीज में। इस वक्त हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में खड़े हैं और गांधी मैदान से आप लाइव तस्वीरें देखिए। ये रावण वध की लाइव तस्वीरें हैं। जो कलाकार हैं, जो समिति के जो कलाकार हैं, वो यहाँ पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का जो पुतला लगा है उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो पटना वासी रावण वध का कार्यक्रम जो देखने आए हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये इस रथ पर हनुमान जो हैं वो खुद मौजूद हैं और नीचे जो लोग हैं वो जय श्री राम के जो नारे हैं वो लगा रहे। बच्चे जो हैं ये राम की टीम में हैं, ये इसीलिए इन्होंने राम के कपड़े पहने हुए हैं और इस पर लिखा हुआ है राम नाम जो है इस पर लिखा हुआ है। वो देखिए आप, ये हमारे हनुमान जी हैं, ये अभी उतरेंगे और ये अशोक वाटिका जाएंगे। ये हमारे रावण जी हो गए और रावण जो हैं ये इस रथ पर सवार हैं और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है इस रावण वध के कार्यक्रम को, दशहरे को, त्यौहार को जो है बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है, असत्य पर सत्य की जीत माना जाता है। और हर वर्ष जो है वो हम रावण वध करते हैं जिससे कि समाज में एक संदेश जाए कि बुराई की हमेशा हार होती है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस रथ पर अंगद और सुग्रीव खुद मौजूद हैं, तस्वीरें आप देख रहे होंगे। ये पवन पुत्र जो हनुमान हैं, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पवन पुत्र हनुमान जो हैं वो क्रेन पर चढ़े हुए थे और अब क्रेन से नीचे उतर रहे हैं। जो समिति के जो लोग हैं वो हनुमान को नीचे उतार रहे हैं और अब जो हनुमान हैं वो अशोक वाटिका की ओर जाएंगे। और आप देखिए तस्वीरों में, ये हनुमान जो है, हनुमान की जो गदा है वो मौजूद है और हनुमान जो है अब यहाँ पर केला खाएंगे। अभी आप कहाँ जाना है आपको? अभी हमें लंका में जाना है, अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका पर जाना है जी। अच्छा, जो हनुमान जी जो है वो मुकुट पहन रहे हैं और ये उनके टीम के लोग हैं, राम की सेना में कुछ लोग हैं। आप अभी कहाँ जाना है आपको? रावण को मारने। रावण को मारने से पहले अभी कहाँ जाना है आपको? सीता माता को लाने जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, जाना है। कहाँ पर है सीता माता? आप लोग नहीं जाना है, आप लोग बंद। अच्छा, ये बानरों को नहीं जाना है तो हनुमान जी अभी जा रहे हैं। हनुमान जी के साथ जुड़ेंगे, हनुमान जी से हम जुड़ेंगे, जुड़ना चाहेंगे। ये जा रहे हैं, अशोक वाटिका की ओर जा रहे हैं। अच्छा, अभी प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जो है इनके आदेशानुसार जो है वो देखिए आप किस तरह से प्रभु श्री राम के, प्रभु लक्ष्मण के जो आशीर्वाद लेकर अभी ये आप कहाँ जा रहे हैं? अशोक वाटिका में जा रहे हैं। तो हनुमान जो है वो अब अशोक वाटिका की ओर कूच कर गए हैं और इनके साथ हम भी आपको लेकर चलते हैं कि किस तरह से भगवान हनुमान जो है वो माता सीता को जो है लाने के लिए जा रहे हैं। और आप देखिए उनकी सेना जो है उनके पीछे है और आप देखिए हनुमान जो हैं वो लोगों से ये कह रहे हैं कि उनकी सेना में जो छोटे वानर हैं उनका ख्याल रख रहे हैं वो, और वो जो है अब माता सीता को लाने जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, ये माता सीता का आशीर्वाद लेंगे। आप देख रहे होंगे ये लाइव तस्वीरें, सिर्फ और सिर्फ लाइव सिटीज आप तक दिखा रहा है। श्री हनुमान जो है वो माता सीता के चरण स्पर्श कर रहे हैं और अब यहां से वो माता सीता से मिल रहे हैं और माता सीता को ये जानकारी दे रहे हैं कि बहुत जल्द प्रभु श्री राम जो हैं वो आपको आकर यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन माता सीता जो है वो प्रभु श्री राम को ये कह रही हैं कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, प्रभु श्री राम के साथ ही मैं जाऊँगी। और माता सीता ने हनुमान जी के साथ जाने से मना कर दिया और हनुमान को जो है वो भूख लगी है और हनुमान जो है वो अब फल खा रहे हैं और उनकी भूख जो है ये लंका जो है मिटा नहीं पा रहा है और ये केले अनार खा रहे हैं लेकिन फिर भी इनकी जो भूख है ये मिट नहीं पा रही है। तो अब ये यहाँ से अशोक वाटिका से निकल चुके हैं। हनुमान जो है अब लंका की ओर आ चुके हैं और तस्वीरों में आप देखिए आम लोगों को यहां पर जाने की मनाही है। अब लंका को तहस नहस कर रहे हैं,
जो हनुमान है वो लंका को तहस नहस कर रहे हैं और जो उनका गुस्सा है वो लंका पर निकल रहा है। जिस तरह से रावण ने माता सीता का अपहरण किया, धोखे से अपहरण किया और फिर उसके बाद वो माता सीता को अपने साथ लंका ले आए और लंका लाने के बाद जिस तरह से प्रभु श्री राम ने माता सीता को ढूंढना शुरू किया और इसी कहानी में फिर जो हनुमान है उनसे मुलाकात होती है प्रभु श्री राम की और प्रभु श्री राम जो हैं वो हनुमान को मिलते हैं और अब जो है वो हनुमान जो है वो लंका को उन्होंने आग लगा दी है। आप देखिए किस तरह से लंका को हनुमान ने आग लगा दी है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, लंका जो है अब कुछ ही क्षणों में देख रहे हैं लंका में आग लग चुकी है। भगवान हनुमान ने लंका में आग लगा दी है और अब तो प्रभु लक्ष्मण आ चुके हैं और प्रभु श्री राम भी अब आ चुके हैं और अब ये मेघनाथ को जो है तो मेघनाथ को अपने बाण से मारेंगे। तस्वीरें देखिए आप, प्रभु श्री राम ने प्रभु लक्ष्मण को जो आगे किया है कि मेघनाथ से आप भी बदला लीजिए और ये तस्वीरें में आप देख रहे होंगे जो लक्ष्मण हैं वो अपने बाण चला रहे हैं और बहुत जल्द मेघनाथ जो है वो इनके बाण का शिकार हो गया। तभी किस तरह से लक्ष्मण जो है लगातार बाण पर बाण चला रहे हैं और मेघनाथ को मारने का प्रयास कर रहे हैं। उपकरण की और मेघनाथ की के वध के बाद अब प्रभु श्री राम जो है वो लक्ष्मण के साथ में सुग्रीव के साथ में और हनुमान के साथ में जो है अब रावण की ओर कूच कर गए हैं और अब रावण वध का कार्यक्रम होगा। प्रभु श्री राम अपने बाणों से रावण का वध करेंगे। आप लोग हट जूता बना रहे हैं। प्रभु श्री राम राम के रूप प्रभु लक्ष्मण लक्ष्मण आ चुके हैं और जो हनुमान है वो लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप मंच पर ना चले, श्री राम को लक्ष्मण को कोई तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो, इसके लिए हमेशा ही जो हनुमान है वो हमेशा ही खड़े रहे हैं और अभी भी वो मोर्चा संभाले हुए हैं। सुग्रीव भी इनके साथ में है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से प्रभु श्री राम ने अब रावण की ओर बाण चला दी है और आप तस्वीरों में देखिए ये वो रावण है जो अब जल रहा है। आतिशबाजी आप देख रहे हैं, रावण के झूले में आग लग चुकी है और अब ये आतिशबाजी हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने के लिए बाण चला दिए हैं और अब रावण में आग लग चुकी है और चलिए समस्या पैदा हो और ये रावण का पुतला है, रावण में आग लग चुकी है और आप पटना से लाइव सिटीज आपको लाइव तस्वीरें जुड़े हुए जो भी पाप हमारे समाज में फैले हुए हैं उन
बुराइयों को, उन पापों को हमें नष्ट करना होगा। जिस तरह से रावण वध में रावण के पुतले को जलाया जाता है, उसी तरह से हमें अपने अंदर की बुराइयों को, अपने समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों को इसी तरह से खत्म करना होगा, तभी हमारे समाज का सही रूप में, सही मायने में विकास होगा। और अब हम फिर से एक और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें हैं। जिस तरह से पटना इन दिनों भारी जल जमाव की स्थिति से जूझ रहा था, उसके बावजूद पटना के गांधी मैदान में इस रावण वध का जो कार्यक्रम है ये किया गया है, मुस्तैदी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और लोग भी यहाँ पर जुटे हैं। हर साल जो है लोग जुटते हैं और आज भी लोग जुटे हैं। रावण वध का कार्यक्रम जो है ये सही तरीके से संपन्न हुआ है और हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई, पटना के गांधी मैदान से लाइव तस्वीरें आपको हमने दिखाई। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए